इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस आतंकी समूह पाकिस्तान के समक्ष एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और बेहद खतरनाक ढंग से देश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर घिरा पाक लगातार अमेरिका के निशाने पर है। थिंक टैंक की रिपोर्ट में पाक में आतंकवाद को लेकर किए खुलासे के बाद तो अमेरिका का पारा सातवें आसमान तक जा सकता है। पाक की आर्थिक मदद रोकने के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने चिताया है कि अगर वह तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा नहीं करता है तो उसे कुछ और कड़े फैसले का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच आतंकी संगठन आईएसआईएस के तेजी से पांव पसारने पर पाकिस्तान और भी अधिक मुश्किल में पड़ सकता है। थिंक टैंक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस पाकिस्तान के समक्ष एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और बेहद खतरनाक ढंग से देश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अक्सर इन दावों को खारिज करता रहा है, मगर आईएसआईएस ने बीते कुछ वर्षों में बलूचिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडी की सुरक्षा की रिपोर्ट के मुताबिक आईएस विशेष तौर पर उत्तरी सिंध और बलूचिस्तान में सक्रिय है और वह पिछले वर्ष चीन के दो नागरिकों के अपहरण तथा हत्या की घटना में भी शामिल था। एक रिपोर्ट में बलूचिस्तान और उत्तरी सिंध में आईएसआईएस की बढ़ती मौजूदगी का जिक्र किया गया। कहा गया है कि उसने 6 खतरनाक हमलों में 153 लोगों की हत्या की। एक वर्ष पहले की तुलना में वर्ष 2017 में पाकिस्तान में 370 आतंकी हमले हुए, उसमें 815 लोगों की मौत हो गई जबकि 1800 लोग घायल हो गए थे। अब देखा जाए तो पाकिस्तान खुद ब खुद अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। उसी के आतंकी उसी का सफाया करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।